नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। केंद्र एवं प्रदेश नेतृत्व के आशीर्वाद से भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर योगेश पाल गुप्ता, अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष परवेज खान की अनुशंका पर राम कुमार गुप्ता, नगर मंडल अध्यक्ष पोरसा की सहमति से पोरसा नगर अल्पसंख्यक मोर्चा का नगर अध्यक्ष साबिर खान को बनाया गया वार्ड क्रमांक 3 अल्पसंख्यक मोर्चा कार्यालय पुरानी बस्ती पर खुशी का इजहार। कार्यक्रम के दौरान भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता एवं पार्टी कार्यकर्ताओं ने तथा समाज के उपस्थित लोगों ने साबिर खान का स्वागत करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जिम्मेदारी को आप पार्टी हित में कार्य करते हुए निभाएंगे, भाजपा के साथ आप सदैव ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से कार्य करेंगे। पार्टी आपको जो जिम्मेदारी देगी उसे पूर्ण करने में सहयोग करेंगे। पार्टी के प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए अपने वार्ड से अल्पसंख्यक मोर्चा को जोड़ने का एवं पार्टी केंद्र व प्रदेश की योजनाओं के लाभ के बारे में सभी हितग्राहियों को लाभान्वित कराएंगे और योजना का लाभ दिलाएंगे। पार्टी में मजबूत गति प्रदान करने के लिए आप सदैव तत्पर रहेंगे। यह बात राम कुमार गुप्ता मंडल अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान पार्टी की जिम्मेदारियों के बारे में नवनियुक्त अध्यक्ष एवं कार्यकर्ताओं से कह रहे। कार्यक्रम के अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष राम कुमार गुप्ता, महामंत्री कमल जाटव, संदीप उपाध्याय, किसान मोर्चा अध्यक्ष परमाल पटेल, इरशाद खान, अशोक सनर, बुंदू खान, अजीम खान, डॉक्टर इकबाल खान, हनीफ खान, सन्नू खान, अज्जू खान आदि कार्यकर्ता एवं अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ता व समाज सेवी जन उपस्थित रहे। नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति गंभीर भी होना चाहिए और कुशल शासक भी होना चाहिए। हमें किस तरीके से अपने साथ के जो संगठन के लोग जुड़े हुए पदाधिकारी हों, चाहे समाज के संगठित व्यक्ति हो, चाहे वो गली मोहल्ले के लोग, भारतीय जनता पार्टी के परिवार के रूप में ही भारतीय जनता पार्टी ने कभी किसी प्रकार की किसी जात धर्म में भेदभाव नहीं किया और ना ही उसने कभी ये सोचा है कि ये गरीब है, अमीर है, कौन पैसा वाला है, कौन कैसा है। सभी को एक समृद्ध रूप से देख करके काम किया है। बहुत अच्छी बात है। आने वाली अपनी पंक्ति में जो बैठा हुआ व्यक्ति भी है, चाहे वो किसी भी समाज में हो, किसी भी दल से हो, किसी भी कैसा भी हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को आगे की पंक्ति में उठा करके भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया और कर रही है। आज चाहे वो गरीबी योजना का कार्य हो, कार्य कार्य हो, आयुष्मान का कार्ड हो, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने कभी ये नहीं देखा है कि ये मुस्लिम वर्ग से है या ये हिंदू वर्ग से है या ऐसी वर्ग से है, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसको उसका योजना का लाभ भारतीय जनता पार्टी ने घर घर तक पहुँचाने का कार्य। उसी जिम्मेदारी को आज हमारे बड़ी खुशी है, हमारी इसमें एक हमारे युवा साथी को जिम्मेदारी दी गई है और जिससे हमारे ये कार्यक्रम आगे की रूपरेखा बनाएगा और एक नई गति देगा भारतीय जनता पार्टी को। साबिर खान को जिम्मेदारी दी है पार्टी को और उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि हमने जिम्मेदारी दी गई है, उसको बड़ी खूबसूरती के साथ निगार करने का कार्य करें बिना विवाद के, बिना टेंशन के, क्योंकि क्या है कि बिना टेंशन के कार्य करेंगे तो कार्य करने में हम बहुत ही अच्छी पार्टी में कार्यक्रम में कार्यकर्ता काफ़ी ऐसे रहते हैं जो कहीं ना कहीं चुनौती का सामना करना पड़ता है, लेकिन अब उनको सारी बाधाओं को पार करते हुए हमको अपने संगठन को आगे लेकर के कार्य करना है। जो भी संगठनों में किसान थे जुड़े पार्टी के, उसको मान करके अपने साथियों के साथ चर्चा कर करके सारे कार्यों को करना है और पार्टी को एक नई ताकत देना है। इसी क्रम में मैं उन्हें आज मौका अच्छा है कार्यक्रम भी आज चूंकि ये स्वागत किया है, क्योंकि 46 स्थापना दिवस भी है, भारतीय जनता पार्टी का पूरे भारतवर्ष में स्थापना दिवस मनाया जाता है 46, तो 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस आपको यहाँ अधिक स्थान चयन करना है और जहाँ जो आपके तीन बूथ हैं, तीनों बूथ के बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और पीएलए, इन सभी को इकट्ठा करके एक अच्छे बड़े बड़े स्थान पर बुला करके और अपने अनुभव में पहुँचा के जो भी आपको कार्यकारिणी में लेना है, जिनको भी आपको जिम्मेदारी देनी है, जिम्मेदारी ऐसे भी लोगों को दो जिनके कंधों पर मतलब कोई समझे कि हमारे कंधों पर बोझ है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर काम करना है। पोरसा संवाददाता प्रदीप सिंह डंडोतिया की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताजा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।